साइकोलॉजी के अदर वीडियोस देखने के लिए चैनल एसएससी प्रिपरेशन को विजिट करें और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ लर्निंग, ब्लूम्स के कॉग्निटिव डोमेन्स, अफेक्टिव डोमेन्स और साइकोमोटर डोमेन्स। ब्लूम टैक्सोनॉमी टीचर्स के लिए हेल्पफुल है बच्चों की असेसमेंट करने में, करिकुलम को अंडरस्टैंड करने में, न्यू करिकुलम को डेवलप करने में। ब्लूम ने अपनी टैक्सोनॉमी में बात की 3 लर्निंग डोमेन्स के बारे में, कॉग्निटिव डोमेन्स, अफेक्टिव डोमेन्स और साइकोमोटर डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन्स हमारे संज्ञानात्मक विकास के साथ जुड़े हुए हैं, ये हमारी मेंटल स्किल्स के साथ जुड़े हुए। साइकोमोटर डोमेन्स हमारे बॉडी पार्ट्स, बॉडी मूवमेंट्स के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे बच्चे लिखते हैं, खेलते हैं, तो ये साइकोमोटर डोमेन्स के साथ जुड़ा हुआ। अफेक्टिव डोमेन हमारी फीलिंग्स, इमोशंस, वैल्यूज, एटीट्यूड्स और मोटिवेशन के साथ जुड़ा हुआ है। ब्लूम ने 1956 में कॉग्निटिव डोमेन्स में जो फील्ड्स दी वो थी नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, अप्लीकेशन, एनालाइज, सिंथेसिस और इवेल्यूएशन। बाद में 2001 में ब्लूम के इन कॉग्निटिव डोमेन्स को रिवाइज किया गया। न्यू डोमेन्स में नॉलेज की जगह रिमेम्बरिंग आ गया, सिंथेसिस की जगह क्रिएटिंग आ गया और इवेल्यूएशन की जगह इवेल्यूएटिंग आ गया। ब्लूम टैक्सोनॉमी में पेपर में सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन से ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो कॉग्निटिव डोमेन्स को डिस्कस करते हैं 1x1। रिमेम्बरिंग का मतलब है किसी चीज़ के बारे में बेसिक जानकारी गेन कर लेना। जैसे बच्चे को सिखाया गया मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो बच्चे को ये सिखा दिया गया कि साइकिल एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। इसके बाद है अंडरस्टैंडिंग, क्या बच्चा साइकिल के पूरे कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर पाया, क्या बच्चा साइकिल को समझ पाया कि साइकिल क्या होती है। जैसे वो साइकिल के पार्ट्स की हैंडल कहाँ है, सीट कहाँ है, टायर कहाँ है, ब्रेक्स कहाँ है, वो इन सब चीज़ों की नॉलेज एक्वायर कर पाया। अंडरस्टैंडिंग मीनिंग कंसेप्ट की अच्छी जानकारी, ये रोट लर्निंग से थोड़ा ऊपर वाला लेवल है। इसके बाद है एनालाइज, एनालाइज का मतलब है चीज़ों को तोड़कर पार्ट्स में देखना, क्या अब बच्चा साइकिल के पूरे पार्ट्स को देख पाता है, क्या उसको खुद पता है कि कहाँ इसका टायर है, कहाँ इसका रिम है, कहाँ इसका हैंडल है। इसके बाद सिंथेसिस है, सिंथेसिस का मतलब है इंटीग्रेट करना, किसी चीज़ को होल देखना। जैसे बच्चा साइकिल एज ए होल, उसके पूरे कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर पाया। इसके बाद है अप्लाई, अब बच्चे ने साइकिल के बारे में जो सीखा कि ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, इसके डिफरेंट पार्ट्स कैसे काम करते हैं, इसके पार्ट्स को कैसे असेंबल करना है, तो क्या बच्चा अब इस नॉलेज को कहीं अप्लाई कर पाया। जैसे साइकिल रिपेयर शॉप वाला अपनी नॉलेज का यूज़ करके हर टाइप की ख़राब साइकिल को रिपेयर कर पाता है। इसके बाद है इवेल्यूएट, जैसे बच्चे ने साइकिल के बारे में कुछ नया बना लिया, तो क्या वो उस चीज़ को जस्टिफाई कर पाएगा कि जो उसने बनाया ये ठीक है या नहीं, ये प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग है या नहीं। लास्ट में है क्रिएट करना, क्रिएट करने का मतलब है कि जो भी स्टूडेंट ने समझा है, क्या वो अपनी सारी नॉलेज को यूज़ करते हुए कुछ नया क्रिएट कर पाएगा। जैसे बच्चे ने अपने साइकिल के पूरे नॉलेज को यूज़ करते हुए एक नई और इनोवेटिव साइकिल बनाई। ब्लूम ने अपनी टैक्सोनॉमी में 3 डोमेन्स की बात की और इसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डोमेन था कॉग्निटिव डोमेन, जो संज्ञानात्मक विकास से जुड़ा हुआ है, उसकी डिस्कशन हमने अभी अभी की। ब्लूम ने साइकोमोटर डोमेन्स भी दिया, इन डोमेन्स में आते हैं हमारे रिफ्लेक्स मूवमेंट्स, हमारी एबिलिटीज़, हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ्स, हमारा वर्क, हमारी बॉडी कोऑर्डिनेशन। अफेक्टिव डोमेन्स में आता है रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन, करेक्टराइजेशन। अफेक्टिव डोमेन जुड़ा हुआ है हमारी फीलिंग्स और इमोशंस के साथ। इस वीडियो में हमने डिस्कस की ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ लर्निंग। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।